बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने अपने 65वें जन्मदिन के मौके पर एक ऐलान किया है। मायावती ने अगले विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बसपा किसी भी राजनीति दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी अपने दम पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और बसपा की जीत निश्चित है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी को गठबंधन से नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ मायावती ने देश भर में शुरू हुए टीकाकरण को लेकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को सभी को मुफ्त में वैक्सीन प्रदान करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यूपी में बसपा की सरकार बनी तो वह सभी को मुफ्त में COVID-19 वैक्सीन प्रदान करेंगी। वहीं पूरे देश में कोरोना टीकाकरण का अभियान 16 जनवरी से शुरू किया जाएगा, जिसका बसपा सुप्रीमो ने तहे दिल से स्वागत किया। इसके अलावा मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार से दिल्ली में 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की सभी मांगों को मान लेने की अपील भी की। बता दें, किसान आंदोलन का आज 91वां दिन है। दूसरी तरफ गुरुवार की सुबह बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर पार्टी समर्थकों का आह्वान करते हुए कहा कि वे लोग इस दिन को कोरोना महामारी के नियमों का पालन करते हुए पूरी सादगी से जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएं। अपने जन्मदिन के अवसर पर वह अपनी स्वलिखित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन और बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा भाग 16 व इसका इंग्लिश वर्जन भी रिलीज करेंगी। इसे पढ़कर स्वाभिमानी मूवमेंट को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।